धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। आज हम इस नए संसद भवन के अंदर चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसके संबंध में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदया, गत 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपने तिरंगे को लहराने की उपलब्धि प्राप्त की है और इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनकर उभरा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमने आदित्य L1 की सफलता को भी देखा और आज देश में गगनयान की भी बात हो रही है। और मैं इस अवसर पर, चूंकि मैं बहुत देर से अपने साथी सांसदों के विचारों को भी सुन रही हूं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब बात भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने की हो तो किसी भी प्रकार का आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की जो यात्रा है वो 6 दशक से भी लंबी रही है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों की यात्रा में भारत के अंदर अलग अलग जो सरकारें रही, जो हमारे तमाम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया और जो हमारे महान वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियां रही, उन सब के सामूहिक और सतत प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसलिए आज के इस अवसर पर उन सभी लोगों का अभिनंदन इस पूरे सदन को, हम सभी को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, बजट की बातें भी मैं कुछ साथी सांसदों के मुख से सुन रही थी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है तो संसाधनों का अभाव कोई भी बाधा पैदा करने लायक ही नहीं बचता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस सेक्टर को हमेशा बहुत प्राथमिकता दी है और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, उस वक्त जो बजट स्पेस डिपार्टमेंट को दिया जाता था तो 5,168 करोड़ हुआ करता था, जिसे हमारी सरकार ने इतने वर्षों में बढ़ाकर 13,000 करोड़ कर दिया है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जहां एक ओर देश इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ है तो इसके अलावा इस उपलब्धि से जो स्पेस सेक्टर में हमने प्राप्त किया है, देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, लगभग 140 स्टार्टअप्स हैं आज स्पेस सेक्टर में। और मैं कहना चाहती हूं इस अवसर पे कि 2016 के पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन 2016 में हमने जब स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ाना शुरू किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनके उभरा है। हमारे देश के युवा आज यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, 100 से ज्यादा हम यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा DPIIT रेकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं हमारे पास और स्पेस सेक्टर में हमारे देश के युवाओं ने 140 के करीब स्टार्टअप्स बनाकर खड़े किए हैं। और स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस R&D के क्षेत्र में काम करती हैं, जिनके लिए इस उपलब्धि के बाद अनेक अवसर काम करने के पैदा हुए हैं। इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियां जिनके अंदर अब और काम करने की दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि इस चंद्रयान 3 के सफलता के माध्यम से हमारी जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल प्रोविस है उसको भी हमने दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो आज ये है कि भारत एक लीडिंग प्लेयर के रूप में रिकग्नाइज हुआ है अंतरिक्ष अभियानों के मामले में, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में आज भारत की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बड़ी है और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो भारत को ज्यादा मान्यता, ज्यादा रिकग्निशन दे रही है। और कहा जाता था कि एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब होता है US का, रशिया का, चाइना का, जिसमें भारत को प्रवेश मिलने में कठिनाई होती थी, लेकिन आज
अपने इस उपलब्धियों के साथ भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है और आने वाले वक्त में हमें भरोसा है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का योगदान जो आज 2-3% है, अगले एक दशक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये योगदान बढ़के 8-10% तक पहुंच जाएगा। आर्थिक प्रगति के जो रास्ते आज इस उपलब्धि के माध्यम से खुले हैं, भारत दो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है। आने वाले समय में हमने कल्पना की है कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो ये उस दिशा में उस लक्ष्य के प्रति योगदान का भी एक और माध्यम हमारे लिए बनकर तैयार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आज जो ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ी है उसके आधार पर हम ये भी कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशंस होते हैं, जो पार्टनरशिप्स होती हैं अलग अलग स्पेस फेयरिंग नेशंस के साथ, उसमें भी भारत के लिए तमाम संभावनाएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है, उसकी उपयोगिता को समझा है और इसलिए इसकी उपयोगिता पर बल देते हुए उन्होंने तमाम मंत्रालयों के कामकाज में इसके विस्तार करने के लिए भी अपने मंत्रिमंडल और अपनी पूरी टीम को प्रेरित किया है। एक समय में हम 20 मंत्रालयों में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है, यानी कि 60 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके विभिन्न कामकाज में हम इस तकनीक का आज उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जैसे मनरेगा है, पीएमजीएसवाई है, पीएमकेएसवाई है, अमृत है, पीएम फसल बीमा योजना है, यूआईडीएआई है, स्वामित्व है, ऐसी बहुत सारे हमारे जनहित के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक बेहतर गवर्नेंस के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के वैज्ञानिकों के भीतर बहुत प्रतिभा है, बहुत क्षमताएं हैं और एक के बाद एक इन 6 दशकों में हमने अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को देखा है, लेकिन क्षमताओं को, प्रतिभा को, कौशल को, उसे फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा फली फूली है और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें समय समय पर हासिल हो रही है। हमारे सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए जब हमारी सरकार आई तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का काम किया और यहाँ तक कि जो हमारा भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को भी काफी हद तक बढ़ाया। यहाँ तक कि 2022 में हम अपनी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी लाए और उसकी भी हमने घोषणा की। तो ये सारे कदम हमने इस नजरिए से उठाए कि हमारा ये जो अंतरिक्ष विभाग का कार्यक्रम है, हमारा जो स्पेस मिशन है वो आगे बढ़े और आज हम ये मानते हैं कि जिस पैशन के साथ हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो माहौल हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, जो वातावरण हमने क्रिएट किया है, उसमें आने वाले समय में भी जो अभी मैंने जिक्र किया कि आदित्य L1 के बाद अब हम गगनयान की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको आने वाले समय में हम हमारे देश के साइंटिस्ट प्राप्त करके दिखाएंगे। भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा और 2047 में जो हमने भारत को विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी देशवासियों का जो योगदान हो रहा है उसमें हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और हमारा स्पेस डिपार्टमेंट है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा और हम सबके सामूहिक प्रयास से मिलकर 2047 में भारत को हम एक विकसित देश बनाने का काम करेंगे। पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ और भविष्य में भी भारत को वो इसी प्रकार अपने प्रयासों से गौरवान्वित करते रहे इसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री MP अब्दुल समद समदानी जी।